राम राम जी। आज हम आटा और गूंद के लड्डू बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इनके लिए जो चाहिए, 2 कप मैंने आटा लिया, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 कप के तकरीबन मैंने बूरा लिया है, 50 ग्राम बादाम काट लिए, 50 ग्राम गूंद को मैंने फ्राई करके इसको पीस के रखा है, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 कप घी। चलो आओ अब हम बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम घी को डालेंगे। घी पूरा नहीं डालूंगी मैं, अभी कम डालूंगी। अभी आटा डालते हैं धीरे धीरे। इसकी आंच हम स्लो रखेंगे, स्लो पे बहुत ही अच्छे तरीके से आटा गूंथता है। अभी धीरे धीरे से खुद घी छोड़ देगा। आटा हमारा आधा भून चुका है, देखो कितना घी छोड़ दिया इसने। स्लो गैस आंच पे आटा भूनने के कारण अब हम बादाम डालेंगे। इलायची नींबू गूंद अब देखो कितना अच्छा कलर हो गया। अब आटा तैयार हो गया भून के। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रखेंगे, बाद में इसमें बूरा मिला के इसकी पिनिया बना देंगे। देखो हमारे आटे का कलर कितना अच्छा आया और कितना घी छोड़ दिया। घी इसने इसीलिए छोड़ा, हमने स्लो आंच पे इसको भूना। अब हम इसमें बूरा मिलाएंगे। धीरे धीरे इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। आप जैसा चाहें साइज बना सकते हैं। ये ठीक साइज है, ना बड़ा ना छोटा। अब हमारी पिन्नियाँ बन के तैयार हो गई हैं। देखो कितनी अच्छी पिन्नी बनी है, कलर कितना अच्छा है। आप भी ज़रूर बनाइए, बना के मेरे पोस्ट पे कमेंट करिए कैसी लगी है।